पर कोटा के ग्रेनेड विला नेहरू नगर से है, जहां केंद्र सरकार से सम्मानित वीर चक्र विजेता कर्नल श्याम वीर सिंह और उनकी पत्नी इन दिनों डर के साए में जी रहे हैं। कर्नल की पत्नी आनंद राठौर ने बताया कि 3 से 4 लोग उन्हें अपने ही घर में बेदखल करने के फिराक में हैं और अपनी जान को खतरा बताते हुए SP को ज्ञापन सौंपा और साथ ही कहा कि कर्नल अपने घर में CCTV लगवाना चाहते हैं, लेकिन आरोपी उन्हें लगाने नहीं दे रहा है। कहीं भी कोई पेपर्स में या किसी में कोई गलती नहीं है, लेकिन ये हमारे जो रिश्तेदार कहलाते हैं, खास करके गजेंद्र सिंह, लाजवीर सिंह और उसकी वाइफ, पत्नी और उसकी माताजी जो हैं, वो मेन है कल्याण कुमार, शी इज द कल्प्रेट। ये सब लोग मिलकर के ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम झूठे हैं, हम बेईमान हैं, हमने बेईमानी से मकान बना रखा है और हम अतिक्रमण कर रहे हैं। ये हमारे को बहुत दुखदायी है, क्योंकि प्रशासन ऐसे कंटकों के लिए कुछ ज़्यादा जोर से मुहिम करे कि जो ये हम जैसे बुजुर्गों को इस तरह से प्रताड़ना न दे सकें। आज कर्नल साहब चुपचाप क्यों बैठे हैं? मैं तो घर में रहने वाली, मुझे बोलने की आदत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये तो आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, ये डिप्रेशन में है। जिस दिन से इस लड़के ने बेइज्जती की है, तो मेरा तो प्रशासन से यही करना है कि हम वेटरन्स के लिए पूरा पूरा आप लोगों का की तरफ से हिफाजत होनी चाहिए, जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। यहाँ तक कि वो हमें CCTV कैमरा नहीं लगाने दे रहा, कैमरे वाले को भगा दिया, कैमरा तोड़ दूंगा, FRI में दर्ज है ये। और मैं ये आप सबके बीच में बोल रही हूँ कि अगर देखिए, मरना तो है, हम तो पहले भी नहीं डरे कभी जिंदगी में और अब भी नहीं डरेंगे, लेकिन कहीं हमारे दुर्घटना हो जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो इसका ब्लेम सिर्फ और सिर्फ लाजवीर सिंह, गजेंद्र